हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 9 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम 8 और 9 अप्रैल दोनों की जो पीआईबी और द हिंदू की न्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो आज हमारी न्यूज है, आर्टिकल है, वो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में। तो इस स्कीम के बारे में हम देख लेते हैं। कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि इसके लिए जो गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट किया था उसका काफी चेंज इंसिडेंट वगैरह हो रहा है, तो उसको लेके तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, प्रधानमंत्री मातृत्व जो वंदना योजना थी, इसे गवर्नमेंट ने 2017 में एक्चुअली लॉन्च किया था। इससे पहले जो योजना थी इसका दूसरा नाम था, वो था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना थी IGMSY, ये एक्चुअली 2010 में लॉन्च की गई थी और इसके बाद गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके 2017 में इसका नाम रख दिया प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, सबसे पहला फैक्ट याद है। इसके बाद ये है कि प्रधानमंत्री जो मातृत्व वंदना योजना है इसमें एक्चुअली कैश ट्रांसफर स्कीम है, मतलब इसमें वुमेन है उनको कैश में पैसा पेमेंट वगैरह वो दिया जाता है। किन कौन सी वुमेन्स को? प्रेग्नेंट वुमेन या फिर इसके साथ जो स्तनपान वगैरह करवाती हैं उन सब वुमेन्स को यहाँ पे पैसे हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लोकेट है वो किए जाते हैं। तो इसमें UPSC में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि या तो 19 जो एज है या तो 19 साल होनी चाहिए या फिर मिनिमम ये रखा गया कि 2 बच्चे होने चाहिए। इसके बाद में अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उस कंडीशन में ये स्कीम का बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखना है। अब देखो, बात ऐसी है कि हमारे देश में क्या है कि न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है वुमेन में, क्योंकि उनको प्रॉपर खाने में जो न्यूट्रिशन वगैरह वो नहीं मिल पाते हैं। घर में उनको खाना काफ़ी लेट से दिया जाता है या लास्ट में वो बच्चा कुछ खाना खा पाती हैं। इसकी वजह से उनकी हेल्थ है वो काफ़ी दिक्कत करती है और इसकी वजह से होता क्या इफेक्ट, जो सारा इफेक्ट है वो आता है बच्चे के ऊपर, जो भी उनका बेबी वगैरह होता है। इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है इससे निपटने के लिए, इसी के साथ वुमेन में एनीमिया जो ब्लड की कमी होती है उससे सब निपटने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम वो लेके आई थी ताकि कैश में पेमेंट वगैरह वो किया जा सके। देखो, स्टार्टिंग में इसमें जो केस का पेमेंट था वो था 4,000 रुपये, इसके बाद अभी गवर्नमेंट ने जो बढ़ा के इसको कर दिया 6,000 रुपये। तो ये 2 इंस्टॉलमेंट वगैरह में ये पैसा है वो दिया जाता है। तो इतना सब तो हमें याद नहीं रखना है, बट हमें ये फैक्ट पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना थी, उस योजना को एक्चुअली बाद में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में ट्रांसफर है वो कर दिया गया था। इसमें एक्चुअली केस में पेमेंट है वो दिया जाता है वुमेन को। इसी के साथ इसको इम्प्लीमेंट किसने किया, वो क्या, ऑब्वियसली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है महिला शक्ति केंद्र स्कीम के बारे में। तो महिला शक्ति केंद्र स्कीम है क्या? देखो, नाम से थोड़ा पता चल रहा है कि महिला शक्ति मतलब वुमेन को एम्पावर करने के लिए, वुमेन को पावरफुल बनाने के लिए स्कीम है गवर्नमेंट है वो लेके आई है। तो पहली बात तो है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसा दे रही है, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। अब इसमें यह है कि जो रूरल एरिया की जो वुमेन है ना उनको एम्पावर करने के लिए, उनको स्ट्रेंथ करने के लिए किसके द्वारा, कम्युनिटी जो मेनली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसी हेल्प से। मतलब देखो, इसमें होगा क्या, इसमें गवर्नमेंट हर जगह जगह पे रूरल एरिया में एक सेंटर बना देगी, एक तरीके से आप समझ लो एक दुकान सी बना देगी। वहाँ पे वुमेन को हर तरह की फैसिलिटी मिलेंगी, मतलब उनको हर तरह की फैसिलिटी, मतलब उनको वहाँ पे स्किल भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा, उनको डिजिटल लिटरेसी है वो सब भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसी के साथ उनको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा और न्यूट्रिशंस वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके साथ उनको जैसे कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है हमारे देश में वो काफ़ी डिक्रीज होता था, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी काफ़ी सारे स्टेप वहाँ पे उठाए जाएंगे। तो ऑल ओवर बात यह कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए रूरल एरिया में, क्योंकि देखो वुमेन रूरल एरिया में ज़्यादातर पढ़ी हुई नहीं होती थी, इसलिए गवर्नमेंट अब चाह रही है कि जो पढ़ी हुई औरतें नहीं है उनको एक्चुअली यहाँ पे एम्पावर किया जाए, उनको स्किल दी जाए। तो इसमें नेशनल लेवल पर प्रोग्राम चलाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर, तीनों पर प्रोग्राम से वो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा चले जाएंगे। एक तरीके से गवर्नमेंट एक सेंटर खोल देगी और उस सेंटर पर सारी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस तरह की स्कीम है, ये हमें ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। कंटेक्स्ट यह है कि गवर्नमेंट ने ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसको फरवरी में बैन कर दिया था, इंपोर्ट मतलब आयात को बैन कर दिया है। अब हमारे लिए यहाँ पे बात थी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है क्या, क्या इसका यूज है, वो UPSC हमें पूछ सकती है। तो देखो, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो नॉर्मली इलीगल तरीके से यूज हो रहा था, वो होता था जानवरों के जो दूध वगैरह उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसमें होता कहीं ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसका इंजेक्शन जानवरों को दिया जाता है जिससे क्या है कि दूध प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो बूस्ट हो जाए। तो इसके लिए जो फार्मर्स वगैरह वो इसका यूज करते थे, बट इसका नुकसान ये होता था कि एक तो एनिमल की हेल्थ है वो काफ़ी जल्दी खराब हो जाती थी, इसके साथ ही उनकी जो लाइफ है, एज है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाती थी। और कई बार ऐसा मतलब कुछ ऐसे संकेत भी मिले कि उससे कैंसर वगैरह जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। अभी प्रूव नहीं है कि ऐसे उम्मीद लगे कि हो सकते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कि भाई जानवरों के ऊपर सही एक तरीके से मतलब काफ़ी अत्याचार हो रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसका इलीगल तरीके से यूज हो रहा है तो उसको बैन कर दिया है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंपोर्ट को भी बैन किया है। अब देखो, इसकी अब जो सेलिंग होगी इंडिया में वो लिमिटेड एरिया में सेलिंग होगी, गवर्नमेंट के कुछ पर्टिकुलर एरिया होंगे, सेक्टर होंगे, हॉस्पिटल वगैरह, वहीं पे इसकी सेलिंग है वो रखी जाएगी और बारकोड हेल्प से इसको सेल हो किया जाएगा ताकि जो भी सेलिंग हो रही है इसकी उसको कंट्रोल या मॉनिटर किया जा सके।
अब इसी के साथ इसमें होता क्या है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना वो एक्चुअली एनिमल और जो इंसान है उन दोनों के ऊपर इसका यूज हो किया जाता है। इसमें होता है कि जो हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी जो ग्रंथि, इस ग्रंथि को वह डायरेक्टली इफेक्ट करती है और उसको एक तरीके से एक्साइट कर देती है। तो इससे नॉर्मली क्या होता है, एक तो ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रोसीजर है वो तेज हो जाती है, इसके साथ ही फीमेल में रिप्रोडक्टिव जो प्रोसीजर है इसको मतलब प्रजनन जो प्रक्रिया है उसको आगे तेज बढ़ाने के लिए इस हार्मोन का यूज हो किया जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसका मिस यूज ना हो उसके लिए इम्पोर्ट को बैन कर दिया और लिमिटेड मात्रा में इसकी सेलिंग है वो होगी। तो यह हमें ध्यान रखना कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका यूज कहाँ होता है, नॉर्मली फार्मर्स वगैरह इसका यूज है वो करते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है वन धन विकास केंद्र के बारे में। तो वन धन विकास केंद्र है क्या, यह एक मल्टीपर्पज फैसिलिटी सेंटर है जिसमें होगा क्या, इसमें होगा कि जो स्किल और इसके साथ जो प्रोसेसिंग वगैरह है, एम्पावरमेंट वगैरह की एम्प्लॉयमेंट है, ये सब प्रोवाइड कर जाएंगे। अब देख लेते हैं क्या, देखो कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि जो ट्राइबल एरिया है हमारे देश में वो एक्चुअली क्या करते हैं, फॉरेस्ट वाले एरिया से कुछ जो कच्चा माल है वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वहाँ से जैसे कि शहद वगैरह इकट्ठा कर लिया या फिर जो गोंद वगैरह ऐसी चीज़ें वो कलेक्ट करते हैं। बट आपको पता है कि जब तक जब ये शहद वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं या फिर कोई नॉर्मल लकड़ी कलेक्ट की जाती है तो जब तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती तब तक उसकी जो रॉ मटेरियल के तौर पर उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम होती है। मतलब जो ट्राइबल लोग होते हैं उनको उसके उचित दामों नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वो उसको फूड प्रोसेसिंग के तहत प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने प्रावधान किया कि भाई जो जो एक्चुअली ट्राइबल एरिया है या जो ट्राइबल लोग हैं वो जो भी प्रोडक्ट वगैरह जंगलों से एक तरीके से ले रहे हैं उन प्रोडक्ट को अगर प्रोसेस करवा दिया जाए तो उनकी रेट वो महंगी हो जाएगी और अगर रेट महंगी हो जाएगी तो ट्राइबल लोगों को उचित दामों मिल जाएंगे और वो अपनी आजीविका आराम से चला लेंगे। तो इसीलिए ये रखा गया कि जो वन से जो मतलब वन का मतलब होगा फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको प्रोसेस किया जाएगा। तो इसलिए केंद्र सेंटर बनाए जाएंगे, मल्टीपर्पज सेंटर। इन सेंटर में होगा क्या, इसमें यूथ है उसको एक तरह स्किल दी जाएगी कि भी आप किस इस तरीके से इनकी प्रोसेसिंग वो कर सकते हो। इसके साथ ही वहाँ पे जो प्रोसेसिंग की प्रोसेस प्रक्रिया है, मतलब शहद को जैसे कि प्यूरीफाई कर लिया फिर उसको डिब्बे में पैक वगैरह करके जो आगे की प्रक्रिया है इसको अंजाम दिया जाएगा। इसके साथ ही बाकी जो गोंद वगैरह है उससे कोई जो नए छोटे जो आइटम्स वगैरह बनाए जा सकते हैं उन सबको यहाँ पे फोकस है वो किया जाएगा। इसके साथ ही इम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा लोगों को, तो इससे काफी कुछ फायदे हैं वो होने वाले हैं। इसके बाद में बात ये आती है कि इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो इसे इम्प्लीमेंट वो कर रहा है, वो कर रहा है ट्राइफेड। ट्राइफेड आपको पता है कि जो ट्राइबल एरिया में जो भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उनकी एक्चुअली सप्लाई वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स वगैरह को बेचने के लिए बॉडी है वो काम करती है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सारा काम हो रहा है। तो मिनिस्ट्री में तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक ये ध्यान रखना कि वन धन विकास केंद्र है वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से स्टार्ट है वो किया गया। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है कौन से स्टेट वगैरह से स्टार्टिंग है इनकी की गई है, छत्तीसगढ़ से इनका स्टार्टिंग हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक एक्सरसाइज के बारे में, वो है सहयोग हैयो बिलोंग एक्सरसाइज। तो ये सहयो हैयो बिलोंग जो एक्सरसाइज है वो एक्चुअली इंडिया और साउथ कोरिया की कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, रिसेंटली इसको अंजाम वो दिया गया है, इंडिया और साउथ कोरिया की कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आइए चक्रवात के बारे में। तो चक्रवात एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट की गई है। एक तरीके से आप इसे एक्सरसाइज तो नहीं बोल सकते बट एक टाइप की एक्सरसाइज है। इसमें होगा क्या, इसमें मैं ली जो ये कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है इसका डिजास्टर रिलीफ है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। क्योंकि देखो जब भी चक्रवात या साइक्लोन आता है तो होता क्या है, जो कोस्टल एरिया होते हैं उन पर काफ़ी नुकसान हो जाता है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए इसके साथ एक तरीके से मानवता को सपोर्ट है वो देने के लिए एक्सरसाइज है इसको अंजाम वो दिया जा रहा है। और इसमें ऐसी बात नहीं कि केवल इंडियन नेवी काम करी है, इंडियन नेवी भी है, इंडियन एयरफोर्स भी है और इंडियन आर्मी है वो भी सहयोग करी है। क्योंकि इंडियन नेवी तो आपको पता है केवल जल में ही काम कर पाएगी, तो ऑब्वियसली अगर स्थल वाले एरिया में कुछ भी काम करना है तो वहाँ पे आर्मी वगैरह है उसकी हेल्प वो ली जाएगी। तो मतलब इसमें मैन जो लीड है या हेड रोल है वो किया जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा, बाकी सारे काम वो बाकी फोर्स भी इसमें शामिल होगी। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि चक्रवात है क्या, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंड एएस के बारे में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि देखो आरबीआई ने जो इंड एएस जो इंडियन अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स थे ना इनको भी 1 अप्रैल से लागू करने की बात थी, बट अभी कुछ डिले हो गया तो उसकी वजह से 1 साल के लिए इनको पोस्टपोन करने का अभी कंटेक्स्ट हुआ है। तो कंटेक्स्ट तो कुछ इतना खास है नहीं, बट हम ये देख लेते हैं कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्या। देखो इस पर यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है कि INDAS है क्या। तो यह हमें ध्यान रखना है कि एक तरीके का यह जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक होते हैं ना इनका एक तरीके का नया फॉर्मेट है। देखो जिस तरीके से हम एंड्रॉयड मोबाइल या कोई भी मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि नए नए जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो उसी तरीके का एक तरीके का आप ये बोल सकते हो कि जो बैंक वगैरह होते हैं उनके में जो भी एक तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो उनका रिकॉर्ड तो रखा जाता है, तो लेकिन वहाँ भी एक तो उनको सॉफ्टवेयर वगैरह दिए होते हैं तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है इंडिया। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक तरीके का ये पूरा
फॉर्मेट है, तो ये ध्यान रखना कि ये मेनली फाइनेंस कंपनी वगैरह फाइनेंस से रिलेटेड चीज है। यूपीएससी पूछ सकती है क्या इंडिया कोई एक्सरसाइज है या फिर कोई और चीज है, स्कीम वगैरह थी इस तरीके से, तो यह चीज हमें ध्यान रखने की नहीं भैया कोई स्कीम वगैरह नहीं है। आरबीआई के द्वारा जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो बैंक वगैरह है उनकी एक्चुअली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड वगैरह को फॉर्मेट वगैरह को अरेंज करने के लिए किस तरीके के स्टैंडर्ड्स है पे माने हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ट्रैफिक के बारे में, तो देख लेते हैं क्या है ट्रैफिक के बारे में। देखो ट्रैफिक है ना वो एक एनजीओ है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ट्रैफिक है क्या, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूके बेस्ड है। अब है कि इसका काम क्या है, यह एक तरीके से दो चीजों को मिला के अलायंस के रूप में काम कर रहा है, एक तो है अलायंस ऑफ IUCN और एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इन दोनों के एक तरीके से ज्वाइंट अलायंस के तौर पे है एक एनजीओ है जो काम कर रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ट्रैफिक एनजीओ है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि एक तो वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना, इसी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो सतत विकास है उसको प्रमोट करना, ये दोनों इसके काम है। और एक तरीके से प्लांट और एनिमल मतलब फौना और फ्लोरा दोनों के लिए काम है वो चीज करता है, तो ये चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हो जाता है। इसी के साथ ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क भी है, जो मतलब वाइल्ड लाइफ के जो भी चीजें होती है उनको अगर ट्रेड वगैरह होता है उनको मॉनिटर वगैरह करने के लिए इस एनजीओ की स्थापना वो की गई है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि IUCN और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का एक अलायंस है, एक एनजीओ है ये, और काम क्या है इसका, काम यही है कि कंजर्वेशन करना है, इसी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, और वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड मॉनिटरिंग का इसका काम सारा है, फौना एंड फ्लोरा दोनों के लिए काम है वो करता है। तो ये थी हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में जो कि कैश ट्रांसफर स्कीम है, इसके बाद में हमने डिस्कस किया महिला शक्ति केंद्र स्कीम, इसके साथ ही हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, उसका यूज क्या है वो भी हमने यहाँ पे देखा। इसके साथ हमने वनधन विकास केंद्र के बारे में देखा कि छत्तीसगढ़ में बीजापुर में सबसे पहला वनधन विकास केंद्र है वो लगाया गया है। इसके साथ हमने सहयोग हाइयो बियोंग एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया, चक्रवात एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया, और इसी के साथ हमने इंड AS जो कि एक बैंकिंग सेक्टर का बैंकिंग सेक्टर का एक स्टैंडर्ड है, एक पैमाना है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और इसी के साथ हमने ट्रैफिक के बारे में डिस्कस किया, ट्रैफिक एक एनजीओ है जो कि IUCN और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अलायंस के तौर पर बनाया गया है। तो ये थी हमारी डिस्कशन, तो चलते हैं हम आज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है गगन शक्ति के बारे में, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि गगन शक्ति है क्या। गगन शक्ति 2018 है, देखो वो एक इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है जो कि अभी रिसेंटली 8 अप्रैल से कल से स्टार्ट है वो हुई है, तो उसको लेकर ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन वगैरह वो डायरेक्टली पूछ सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली ब्लैक बग के बारे में है, ब्लैक बग जिसका सलमान खान ने शिकार किया था। तो ब्लैक बग के बारे में आपको बताना है कि क्या है IUCN की जो लिस्ट कंकन लिस्ट है उसमें शामिल है। इसके साथ ही आपको बताना है कि है मैली जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है उसी में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि है IUCN की लिस्ट कंकन लिस्ट में शामिल है, बट यह वेस्टर्न घाट में नहीं पाया जाता है, यह मैली जो वेस्टर्न थार डेजर्ट है उसमें पाया जाता है, इसके बाकी और सारे एरिया में भी पाया जाता है, तो ओनली वेस्टर्न घाट में नहीं पाया जाता, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके साथ जैसे हमने बताया था कि यह वर्ल्ड जो सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया का, उसके जो शेड्यूल फर्स्ट है उसके तहत इसको प्रोटेक्शन है वो दी गई है, तो इसलिए सलमान खान को सबसे ज्यादा सजा हुई थी 5 साल की इसके तहत। तो ये थी कुछ जो क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।